यादें स्वतंत्रता संग्राम की। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है यादें स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन। १९२८ में बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। गांधी जी इस किसान आंदोलन के प्रणेता थे। इस समय देश की जनता में अपार उत्साह था। साइमन कमीशन बायकॉट के दौरान अंग्रेजी शासन द्वारा बड़ी क्रूरता से जन आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में एक साल के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने का प्रस्ताव पास किया गया। देश का मजदूर वर्ग बड़े पैमाने पर संगठित हो रहा था। किसानों में जमींदारों, ताल्लुकेदारों और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध तीव्र आक्रोश था। देश का नवयुवक जाग उठा था। क्रांतिकारी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। कांग्रेस में युवा वर्ग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कठोर कदम उठाने के पक्ष में था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया। सरकारी दमन चक्र विकसित हो रही इस राष्ट्रीय चेतना को कुचलने के लिए दृढ़ संकल्प था। यू इन बागी आंदोलनकारियों पर बगावत का मुकदमा चलाओ। इनको पकड़कर मेरठ पे बंद करो, खाला पानी भेजो। और ऐसी परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 1929 में हुए इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने ही वहां पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। साथियों, कांग्रेस का लक्ष्य है पूर्ण स्वतंत्रता। हमारे लिए स्वाधीनता का अर्थ है ब्रिटिश आधिपत्य और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। भारत माता की जय। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को लाहौर में रावी नदी के किनारे नववर्ष के आगमन का स्वागत भारत का तिरंगा फहराकर किया गया। अन्य राष्ट्रों की तरह हम भारत के नागरिक भी स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। भारत को अंग्रेजों से संबंध तोड़कर मुकम्मल आजादी हासिल करनी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। पूर्ण स्वतंत्रता हम सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेंगे। हमें गांधी जी के आदेश का इंतजार है। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। 26 जनवरी 1930 के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली। आंदोलन छेड़ने से पहले गांधी जी ने अंग्रेजों से समझौते के कई प्रयास किए। उन्होंने वॉयसराय के सामने 11 मांगे रखी और उन्हें
पत्र भी लिखे, पर फिरंगी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। वॉयसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की मांगे ठुकरा दी। तब गांधी जी ने कहा, अंग्रेजी सरकार केवल शक्ति के आगे ही जवाब देती है। मैं खुद नमक कानून तोड़कर आंदोलन शुरू करूंगा। और 12 मार्च 1930 के दिन साबरमती आश्रम से गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। बापू अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम छोड़ चुके हैं और अभी हमारे गांव से गुजरने वाले हैं। मगर किधर जा रहे हैं? समुद्र तट पर बसे दांडी तक जा रहे हैं, जहां वे और उनके साथी खुलेआम नमक बनाकर नमक कानून तोड़ेंगे। वो देखो बापू और स्वयंसेवक आ रहे हैं। चलो भाई चलो, चलो हम लोग भी जुलूस में शामिल हो जाएं। चलो भाई चलो। 24 दिन के लगभग 200 मील की यात्रा पूरी करके ये दल 5 अप्रैल को दांडी पहुंचा और अगले दिन वहां गांधी जी ने खुद नमक कानून तोड़ा। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। भारत माता की जय। साथियों हिम्मत न हारना, अंग्रेजों की लाठियों से घबराना नहीं, बढ़ते चलो और तोड़ दो नमक कानून को। सिपाहियों इन पर लाठी चार्ज कराओ। साथियों खून पहले से मत डरो, हमें हिंसा का जवाब अहिंसा से देना है। और फिर देश भर में नमक कानून तोड़ा गया, स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया और लोग विदेशी माल का बहिष्कार करने लगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। जो विदेशी सामान बेचेंगे हम उनकी दुकान पर धरना देंगे। पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने इतनी भारी संख्या में भाग लिया। केवल दिल्ली में ही औरतें गिरफ्तार की गईं। बहिष्कार मुख्यतः विदेशी कपड़े का हुआ, जो सबसे अधिक सफल बंगाल और उड़ीसा में रहा। देश भर में किसानों ने सफलतापूर्वक लगानबंदी आंदोलन चलाया। उत्तर प्रदेश में किसानों ने अंग्रेज सरकार और उसके चापलूस जमींदारों के खिलाफ लगानबंदी आंदोलन लड़ा। फलस्वरूप वहां कई गांवों में जनता का राज स्थापित हो गया। पूर्वी बंगाल में किशोरगंज में जूट मुख्य उपज थी। जूट के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुरी तरह गिर गए, इसलिए किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। देखो भाई, हम ना तो सरकार को कर देंगे और न ही जमींदारों को लगान देंगे। और इन खून चूसने वाले व्यापारियों और महाजनों को जो हमारे कपास का इतना कम दाम तय करते हैं, उन्हें हम सूद बिल्कुल नहीं देंगे। और इधर अवध के किसान नेता बाबा रामचंद्र ने कहा, शतरंज की काली गोटों में से एक प्यादा सफेद गोटों के राजा से टक्कर लेने निकल पड़ा है। हम किसानों को इस प्यादे का सिपाही बनकर साथ देना है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली में मुंशी कालिका प्रसाद ने किसान आंदोलन को दिशा दी। और इसी समय पूरे प्रांत में पंडित नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, तसद्दुक हुसैन शेरवानी और रफी अहमद किदवई के नेतृत्व में किसान आंदोलन बल पकड़ रहा था। अवध में 1,60,000 किसान बेदखल किए गए। कालीकट में कृष्ण विल्लई ने पुलिस की दनादन पड़ रही लाठियों के बावजूद तिरंगे झंडे को ऊंचा ही रखा। बिहार में चौकीदारी टैक्स का बायकॉट सफल हुआ। मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन वन कर के खिलाफ चलाया गया। कर्नाटक में भी लगानबंदी आंदोलन सफल रहा। और उधर सीमांत प्रांत में
खुदाई खिदमतगार आंदोलन जोरों पर था। इस खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। सीमांत गांधी के इशारे पर सीमांत प्रांत के लोगों ने आंदोलन को सफल बनाया। खुदाई खिदमतगार आंदोलन से अंग्रेजी सरकार तबाह हो गई और 23 अप्रैल 1930 को अंग्रेजी सरकार ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया। अपने देशवासियों पर किए जा रहे जुल्म से पीड़ित होकर 18 रॉयल गढ़वाल राइफल के बहादुर सैनिक चंदर सिंह गढ़वाली ने बागी बनना स्वीकार किया। रुक जाओ साथियों, रुक जाओ भाइयों, गोली मत चलाओ। दोस्तों, हमें अपने निहत्थे भाइयों पर गोली नहीं चलानी चाहिए। ये अंग्रेज हमसे कितना बड़ा अपराध करा रहे हैं। बिल्कुल अपराध करा रहे हैं। ठीक तो कह रहा है चंद्र सिंह गढ़वाली। हाँ, हम गोली नहीं चलाएंगे, हम अपने पठान किसान और मजदूर भाइयों के साथ हैं। बिल्कुल साथ हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली, तुम्हारी गद्दारी की सजा तुम्हें मिलेगी, तुम्हारा कोर्ट मार्शल किया जाएगा। सर, सजा से डरना बुजदिलों का काम है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पेशावर 25 अप्रैल से 4 मई तक जनता के अधिकार में रहा। गोरे सैनिकों ने फिर अपनी सत्ता जमाई और दमन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। पंजाब में अकाली भी अपना मोर्चा संभाले थे। हमारे दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने पेशावर में खुदाई खिदमतगारों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अकाली जत्थे का नेतृत्व करने का फैसला किया है। जो बोले सो निहाल, जय श्री अकाल। 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। इसका तीव्र विरोध हुआ। 7 मई को महाराष्ट्र में शोलापुर के कपड़ा मिल के श्रमिकों ने हड़ताल की। 18,000 मजदूर शहर की सड़कों पर थे। इस प्रकार भारत भर में सरकारी दमन चक्र चलता रहा। नब्बे हजार से अधिक स्त्री, पुरुष और बच्चों को जेल में डाल दिया गया, पर आंदोलन दबाया न जा सका। अप्रैल के अंत में सरकार ने कई कानून पास किए, जिनसे कांग्रेस की संस्थाओं को गैर कानूनी घोषित किया गया और सरकार को उनकी संपत्ति हड़पने का अधिकार मिला। कई लोगों की संपत्ति लूटी और नीलाम की गई। इतना सब करने के बाद अंग्रेजी सरकार को समझौता करना ही पड़ा। 26 जनवरी 1931 के दिन गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को रिहा कर दिया गया। पांच मार्च 1931 के दिन गांधी इरविन समझौता हुआ और आंदोलन स्थगित कर दिया गया। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने इंग्लैंड गए, परंतु वार्ता का कोई हल नहीं निकला। भारत लौटने पर उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। आंदोलन फिर से प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम जारी रहा।